हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनरेगा का पेमेंट चेक आप कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, मनरेगा का पेमेंट आप दो तरह से चेक कर सकते हैं, एक मास्टर वाइज चेक कर सकते हैं और एक एप्टियो के माध्यम से भी आप चेक कर सकते हैं। तो जो बिल्कुल आसान तरीका है जिससे आप अपना मास्टर भी देख सकते हैं और पेमेंट भी देख सकते हैं और एक दिन में कितना हाजिरी मिलता है वो भी देख सकते हैं और आपका कितना हाजिरी बैठा है वो भी आप देख सकते हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लिखना है नरेगा, हमने नरेगा यहाँ पर लिखते हैं। तो फ्रेंड्स हम NREGA, सिर्फ NREGA लिखेगा या मनरेगा भी लिखने चलेगा, MNREGA मनरेगा लिख के भी आपको सर्च कीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मनरेगा लिखना है, मनरेगा लिख के हम सर्च करते हैं तो आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। सेम नरेगा लिखिए या मनरेगा लिखिए, दोनों है बराबर है, तो आपको नरेगा लिख देना है। नरेगा लिखने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा इस तरह से, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन पर। उसके बाद फ्रेंड आपको स्क्रॉल करते हुए आपको यहाँ पर देखिए रिपोर्ट दिख रहा है, रिपोर्ट्स पे आपको यहाँ क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स रिपोर्ट में हम क्लिक करते हैं। रिपोर्ट्स क्लिक करने के बाद आपके सामने व्हाट विल बी यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा कि 11 और 22 कितना होगा, तो आपको यहाँ पर लिखना है, कैप्चा कोड में लिख देना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ कैप्चा कोड फिल कर दिए हैं, उसके बाद आपको यहाँ वेरीफाई कोड में क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई कोड में क्लिक करेंगे आपके सामने बोलेगा स्टेट का नाम, यहाँ पर फाइनेंशियल देख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप प्रीवियस ईयर का भी पेमेंट देख सकते हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक का भी आप दे सकते हैं, लेकिन अभी करंट ईयर चल रहा है 23, 24, तो हम 23, 24 में क्लिक करेंगे। और स्टेट का नाम, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य को आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आप जिस राज्य से आते हैं उस राज्य में आपको क्लिक करना है। तो गाइस हम क्लिक करते हैं छत्तीसगढ़ में, हम क्लिक करते हैं और वहाँ देखेंगे कि मनरेगा का पेमेंट कितना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको स्क्रॉल करते हुए आप आ जाएंगे सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आपको यहाँ क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ ये बिल्कुल करंट बता रहे हैं फंड, देखिए यहाँ पर जो रिलीज करता है वहाँ पर लिखा है फंड रिलीज लिखा हुआ है, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, लिखा हुआ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडर मनरेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, आप किसी का भी जो जिस जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में आपको यहाँ क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स हम एक क्लिक कोरिया में क्लिक करते हैं, एक कोरिया छत्तीसगढ़ में भी है फ्रेंड्स। तो उसके बाद देखिए कोरिया में जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपका सारे यहाँ ब्लॉक का नाम देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ दो ब्लॉक है, एक बैकुंतपुर है एक सोनहत है, तो हम सोनहत में क्लिक करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स वहाँ जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने पंचायत का नाम देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ देखिए पंचायत का नाम पूरा है, अब जिस पंचायत से आते हैं उस पंचायत का आपको देखिए राइट साइड में पंचायत नाम इस साइड में आपको देखने को यहाँ मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पंचायत को मैं आपको देखना क्लिक करके, यहाँ लिखा है ऑन अनस्किल, यहाँ पर देखिए ऑन स्किल का है, यहाँ पर होता है लेबर पेमेंट का पेमेंट चेक होता है। तो यहाँ पर आप एक कोई किसी जगह 21,87,000 में क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो है कि सारा मास्टर निकल के सामने आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका इस पंचायत का नाम आपका दिख रहा है, ब्लू रंग में दिख रहा है फ्रेंड्स पंचायत का नाम। अब मिक्स ना करें किस पंचायत में देखना है आपका पंचायत, आपका ही पंचायत में देखना है अपना पंचायत में, तब पता चलेगा कि आपका अब आपके सामने यह स्कीम का नाम देखने को मिलेगा। तो गाइस देखिए यहाँ पर आप मास्टर भी निकाल सकते हैं और पेमेंट भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक इस योजना का नाम लिखा हुआ है, तो फ्रेंड्स यह योजना का नाम है, आप यहाँ पर कोई भी एक ये मास्टर में क्लिक करके देख सकते हैं अभी जो पूरा करंट चल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स आज होगी आपका 16 तारीख है और ये 14/9 को कैप्टिव किया गया है, आप इसे देख सकते हैं। देखिए 14/9 को एक्टिव किया को पेमेंट किया है। तो एक लास्ट वाला देखते हैं हम, उसका फास्ट भी दिखाएंगे। अब जैसे वहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका देखिए मास्टर निकल कर सामने आ गया है।
आपका यहाँ पर देखना है कि कितना दिन का हाजिरी लगा है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ हाजिरी भी चेक कर सकते हैं कितना अटेंडेंस बना है। देखिए यहाँ पर आपका नाम, एक बहन का नाम है निर्मला, देखिए यहाँ पर है, यहाँ क्या है, कास्ट में क्या, गांव है, गांव का नाम भी देखिए फ्रेंड्स यहाँ अमरा गांव का है, ये भी गांव भी आपको देखना है। उसका यहाँ पर कितना हाजिरी लगा देखिए, यहाँ पर प्रेजेंट है और कुछ जो है एब्सेंट है, एक दो तीन चार, यानी कि चार ये आपका पेमेंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो प्रतिदिन हाजिरी होता है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ का, यहाँ लिखा है 221 रुपया मिलता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए एक दिन का हाजिरी कितना है, 221 दिन का, तो 4 दिन का कितना होगा, 884 रुपये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर पैसा आएगा तो आपको यहाँ पर देखिए बैंक का नाम देखने को मिल रहा है, पोस्ट ऑफिस, सेंट्रल बैंक, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आएगा। अगर पेमेंट अकाउंट में आ जाएगा, देखिए 14 तारीख को पेमेंट हुआ है, तो यहाँ देखिए क्रेडिट एक डेट दिख रहा है, इस क्रेडिट डेट में आपको यहाँ पर उसका देखने को मिलेगा आपको किस डेट में पैसा आया है। तो ये था फ्रेंड्स मास्टर देखने का और पेमेंट चेक करने का। तो फ्रेंड्स ये अगर आप सर्च करते हैं कि मनरेगा का पेमेंट कैसे देखेंगे, तो आप इस तरह से पेमेंट को देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम एक और मास्टर में क्लिक करेंगे जिसमें पैसा आया है। तो एक फ्रेंड्स मास्टर 1-9 का पेमेंट है, उसमें हम क्लिक करते हैं और यहाँ देखेंगे कि मनरेगा का जो पेमेंट है 1-9 को भी पेमेंट नहीं आया। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली जो है अकाउंट क्रेडिट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और बैग जाते हैं जहाँ पर पेमेंट आया हुआ है, 10-8 का पेमेंट देखते हैं फ्रेंड्स, 10-8 में क्या प्रॉब्लम है। तो 10-8 का देखिए पैसा यहाँ पर आ चुका है। तो फ्रेंड्स अकाउंट क्रेडिट देखने को मिल रहा है, 2-9 को देखने को मिल रहा पैसा आया है। ये FTO कब हुआ था फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए FTO या 1 दिन का हाजिरी गया है, और जो है फ्रेंड देखिए आप इसके 8-8-2008 मैंने 8-8-2023 को ये किया गया था डिमांड, और जो है कि पैसा आया 2-9 को आया है, यानी कि मनरेगा मजदूर का पैसा जो है आ रहा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखो ये सेम नेम है निर्मला, और उनका जो पैसा आया है 2-9 को पेमेंट आया है। तो आप इस तरह से जो है कि मनरेगा पेमेंट को आसानी से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो था नरेगा का पेमेंट को आप कैसे चेक करें, कैसे देखें, साथ साथ मास्टरोल भी आप देख सकते हैं और कितना हाजिरी लगा और जो है कि कितना 1 दिन का पेमेंट मिलता है छत्तीसगढ़ में, वो भी देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसे लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करें और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए।